हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। होप यू ऑल आर गुड। एंड आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं गणेश चतुर्थी स्पेशल फोटो एडिटिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाला है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है। ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है गणेश चतुर्थी की फोटो एडिटिंग, जो कि आप लोग नहीं देखे तो जाके देख सकते, चैनल पर ऑलरेडी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले फिर से गणेश चतुर्थी फोटो एडिटिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाली है। एंड हाँ, आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करना, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कलर नहीं सिखाया हूँ, जो काफी ज्यादा डिटेलिंग में है और काफी ज्यादा मस्त है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है, पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोस को, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। सो वी आर वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो मतलब फोटो का बैकग्राउंड है उसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फोटो रूम ऐप को ओपन करेंगे और यहाँ पर अपना फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमारा फोटो जो है अपने आप कट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। आपका नेट ऑन होना चाहिए, जब जाके कट होगा अपने आप। और यहाँ पर हम लोग फोटो कर लेंगे सेव। ठीक है, और यहाँ पर सेव करने के बाद अब हम लोग ओपन करेंगे पिक्सआर्ट का हमारा बैकग्राउंड। और अगर आपको बैकग्राउंड डाउनलोड करना है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम लोग जो फोटो कट किया उसको ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर से हम लोग इसको रोटेट कर लेंगे। ठीक है, अब रोटेट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिनिमाइज़ कर लेंगे इसको, और यहाँ पर जो हम लोग अपने हिसाब से रख लेंगे। आप अपनी फ़ोटो को जो है जैसे आपका फ़ोटो है आप लोग उसी हिसाब से रखना। ठीक है, तो अभी हम लोग जो यहाँ पर इतना हिस्सा कर लेते हैं बराबर तरीके से, और यहाँ पर इरेज पे जाएंगे और यहाँ पर से जो हम लोग इसका जो है पैर को जो इरेज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर से जो इसका लेग है इसको थोड़ा सा इरेज कर लेंगे, और यहाँ पर जो फोटो रूम का वाटर मार्क है उसको भी इरेज करेंगे। तो यहाँ पर से मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ यहाँ पर से, और यहाँ पर जो रॉक है उसके पीछे हम लोग हमारे जो इसके पैर को रख लेंगे। ठीक है, ताकि रियलिस्टिक लुक आए। ओके, देन यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर राइट कर लेंगे ऊपर से, डन। ठीक है, अब हम लोग जो है एक होली की पीएनजी को ऐड करेंगे कलर्स की। हम लोग जाएंगे गैलरी में और यहाँ पर से इसको ले लेंगे और यहाँ पर से ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद यहाँ पर इस चीज़ कर लेंगे और यहाँ पर से ना रोटेट कर लेंगे इसको। और रोटेट करने के बाद हम लोग जो इसको ब्लर कर लेंगे। हमें जो ब्लर में किया था वो हिस्सा हम लोग को वीडियो कैप्चर नहीं हुआ है, तो आप लोग ब्लर कर लेना है। इसको ब्लर करने के बाद यहाँ पर से थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे और यहाँ पर जो इसकी यूक को जिसको ऑरेंज कर लेंगे, ताकि बैकग्राउंड में देख सकते थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज टू नहीं, इस वजह से हम लोग जो कलर को भी थोड़ा ऑरेंज कर लेंगे। और यहाँ पर से कुछ इस तरीके से इसको बड़ा कर लेंगे, लाइक मिनिमाइज़ कर लेंगे। और यहाँ पर करने के बाद अभी हम लोग इरेज करेंगे, इरेजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से जो ऊपर का जो इतना भी एरिया है ना, पिंक जो कलर है और जो हमारे फेस पे आ रहा है कलर टोन होली का, हम लोग उसको रिमूव करेंगे और यहाँ पर से इस तरीके से इरेज करेंगे कुछ इस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी अपने हिसाब से मतलब फ़ोटो के हिसाब से इरेज करना, बराबर यही नहीं कि मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ आप लोग वही प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। ओके, तो आप जैसा फ़ोटो है आपका, जैसा फ़ोटो है आपका, जैसा फ़ोटो में लुक है वैसे आप लोग जो है अपनी रख सकते हो कलर ग्रेडिंग, मतलब अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो इतना करने के बाद यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर राइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से हम लोग बराबर से इसको मिनिमाइज़ कर लेंगे, फिर से और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, देन यहाँ पर डन कर लेंगे। अब यहाँ पर जाएंगे गैलरी में और यहाँ पर हम लोग जो लेंस फ्लेयर की पीएनजी है इसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पर ऐड करने के बाद इसको जाएंगे ब्लेंडिंग मोड को चेंज करेंगे, स्क्रीन पर करेंगे कुछ इस तरीके से, ताकि एक साइड से सन रिफ्लेक्शन आए, और यहाँ पर जो इसकी जो है दोनों को सेम कर लेंगे, ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर लेंगे। ठीक है, और आपको जो बैकग्राउंड या फिर जो पीएनजी मैं यूज़ कर रहा हूँ सबका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। देन यहाँ पर से डन कर लेंगे। अभी डन करने के बाद हम जाएंगे टोटल के अंदर, और टोटल में जाने के बाद यहाँ पर चुटोट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव इमेज। अब यहाँ पर हमारा फोटो हो चुका है सेव। हम लोग अभी ओपन करेंगे इस फोटो को लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो ओपन करते लाइट रूम में हमारा फोटो को, देन ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एच एस एल पर क्लिक करना है, यहाँ पर कलर टोन पर जाना है, यहाँ पर जो अपनी स्किन का जो टोन है यहाँ पर जो सेकंड कलर होगा उसको कुछ इस तरीके से सेचुरेशन कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना है, यहाँ पर जो थर्ड है उसको भी बढ़ा लेना है कुछ इस तरीके से, कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर इतना करने के बाद हम लोग जो फर्स्ट कलर जो देख सकते हैं आप लोग उसको भी थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर ग्रीनिश तो है नहीं, अब यहाँ पर हमारा ब्लू टोन है पीछे देख सकते हैं अर्थ जो है हमारा। ठीक है, यहाँ पर ब्लू है तो हम लोग उसको थोड़ा सा लुमिनस को बढ़ाएंगे, यहाँ पर थोड़ी सी सेंसेशन को भी बढ़ा लेंगे और यहाँ पर से कर लेंगे डन। अब डन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अब हम लोग जाएंगे इस कलर ऑप्शन पर, यहाँ पर थोड़ी सी टेक्सचर को बढ़ाएंगे और थोड़ी सी क्लैरिटी को इंक्रीज करेंगे, ताकि एक फ़ोटो में शार्पनेस वाली लुक आ जाए। और यहाँ पर एच एस एल पर जाएंगे, यहाँ पर जो हमारे जो कलर है उसको हम लोग कोई भी एक मतलब अच्छे से टोन ले लेंगे, मूडी। हम लोग इस फोटो को हम लोग जो मूडी टोन दे रहे हैं, आपको बता दूं मैं, ये जो फोटो है हमारा इसको हम लोग मूडी टोन देना है, बिकॉज जो बैकग्राउंड में लाइटिंग वगैरह है और या फिर जो आप लोग लाइटिंग वगैरह देख रहे हो फोटो के अंदर उसके हिसाब से हम लोग जो इसको मूडी टोन देंगे। अब यहाँ पर इतना करने के बाद हम लोग डन कर लेंगे। ठीक है, अभी डन करने के बाद अभी आप लोग देख सकते हैं फोटो हमारा बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, थोड़ा मूडी टोन आ चुका है, अभी और इसको मूडी टोन क्रिएट करेंगे हम लोग। अभी यहाँ पर इतना करने के बाद हम लोग इस फोटो कर लेंगे सेव हमारे गैलरी में, यहाँ पर शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव टू डिवाइस, और यहाँ पर सेव हो रहा है हमारा फोटो। अब हम लोग इसको ओपन करेंगे हमारा
स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर पेंसिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कर्व पे जाएंगे और यहाँ पर YouTube जो है हमारा ये वाला देख सकते हैं आप लोग, इसको आप लोगों को इतना रख लेना है। ठीक है, मतलब इसमें ऑलरेडी सेटिंग्स होती है तो आपको वो रखना है बराबर। तो यहाँ पर सेटिंग होने के बाद अपने आप जो है मूडी टोन आ चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोग जो है अपने हिसाब से थोड़ी बहुत छेड़छाड़ भी कर सकते हो। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला कलर जो है हम लोग इसको थोड़ी सी ऊपर नीचे करके देख लेंगे, थोड़ा मतलब और भी अच्छा लुक देने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रेड कलर है इसको भी थोड़ा सा हम लोग ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर है इसके जो टून है ना, लाइन है, उसको हम लोग खाली ऊपर नीचे करेंगे बस। ठीक है, वो पॉइंट जो अपने आप वो क्रिएट हो रखा है ऑलरेडी, तो हम लोग खाली इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है वही हिस्से को। ठीक है, तो आप लोग भी सिर्फ वही हिस्से को करना है, एक्स्ट्रा पार्ट जो है अपने खुद से पॉइंट क्रिएट मत करना है, बिकॉज ये जो है टून अपने आप क्रिएट हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो है टून क्रिएट हो चुका, मूडी टून आ चुका हमारा फोटो के ऊपर। अब देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो बस यही था हमारा आज का ट्यूटोरियल, उम्मीद है आपको पसंद आ गया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।